चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। 90 के दशक का सबसे बड़े घोटाले में झारखंड में 53 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें यह 52वां केस है जिसमें अदालत फैसला सुनाया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 99 अभियुक्तों के भविष्य का फैसला हो गया है। लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत को भी सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया है। जगदीश शर्मा को 3 साल की सजा, नंदकिशोर प्रसाद को 3 साल की सजा, अशोक कुमार यादव को 3 साल की सजा मिली है। पीएम शर्मा को 3 साल की सजा, बाकी 24 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेंद्र पांडे, साकेत, दीनानाथ सहाय, रामसेवक साहू, आइनुल हक, सनाउल हक, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, निर्मला प्रसाद, कुमारी अनीता प्रसाद, रमावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रामाशंकर सिन्हा, बसंत, सुलीन, श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद शामिल हैं। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा यह 5वां केस है। इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 केस और देवघर दुमका के एक एक केस में लालू को सजा मिल चुकी है। सीबीआई की विभिन्न अदालतों ने लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों को दोषी माना है। डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे थे। इस मामले में 170 आरोपी थे, मामले में 55 की हो चुकी है मौत। इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामले में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। वह अब तक 6 बार जेल भी जा चुका है। अभी पहले के सभी मामलों में जमानत पर बाहर हैं।